हिमालय वर्षों से उच्च कोटि के योगियों और सन्यासियों का आश्रय स्थल है। ज्ञान विज्ञान का, आयुर्वेद और आध्यात्म का पुंज है, जिसका महत्व कभी भी क्षीण नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसी आत्माएं विचरण करती रहती हैं, जिन्हें हमने देवताओं की संज्ञा से नवाजा है। अभी तक हमने हिमालय की पूर्णता में से बहुत ही कम अंश को समझा है, पहचाना है। जिस दिन मनुष्य हिमालय के पूर्णत्व को समझ लेगा, उस दिन उसके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। हिमालय हमारे जीवन का आधार है। हिमालय भारत की जनता का हृदय है। हिमालय ज्ञान का अटूट भंडार है। वर्षों से हिमालय ने अपने अंदर जो शक्ति और महत्व पूंजीभूत कर रखा है, वह अपने आप में अतुलनीय है। कदम कदम पर प्रकृति के इतने विविध रूप हिमालय में हैं कि उसे निरंतर देखते रहने पर भी जी नहीं अघाता। हर कदम पर अमूल्य रत्नों और खनिजों का ऐसा भंडार भरा पड़ा है, जिसकी कोई मिसाल इस संसार में नहीं है। छलछलाती पवित्र नदियाँ, बर्फ के सुंदर राजमुकुट, झूमते हुए वृक्ष और विविध प्रकार की वनस्पतियों का क्या कहना। इन सबसे बढ़कर हिमालय में देखने, सुनने और मनन करने योग्य वे साधु सन्यासी हैं, जिनके कदमों ने हिमालय का चप्पा चप्पा छान मारा है, जिन्होंने जी भरकर हिमालय को जिया है और प्रकृति पर पूर्णतः अधिपत स्थापित कर हिमालय की गोद में निश्चिंत, निर्भीक एवं निर्द्वंद हैं, जिनकी तपस्या से पूरा भारतवर्ष मुखरित है, जिनकी ज्ञान सुगंध से यह देश सुवासित है और जिनके चिंतन और साधना शक्ति की वजह से हजारों हजारों वर्षों के बाद भी निरंतर प्रहार एवं विपरीत परिस्थितियों को झेलते रहने पर भी हमारी संस्कृति अक्षुण है, मौलिक है, प्राण संजीवनी है। ऐसे ही महात्मा जीवन के सूर्य हैं, जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। ऐसे ही महात्माओं के दर्शन जीवन का पुण्य कहलाते हैं। केदारनाथ हिमालय का महत्वपूर्ण स्थान है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड तक एक मोटर मार्ग है। यहाँ से केदारनाथ 14 किलोमीटर रह जाता है। पैदल मार्ग है। केदारनाथ अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर तप्त कुंड भी है, इसका पानी खौलता रहता है। केदारनाथ से 6 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल है। यह काली गंगा का उद्गम स्थल है। संपूर्ण संसार में नीलकमल केवल इसी ताल में मिलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्थानीय लोग इसमें श्रद्धा के साथ स्नान करते हैं। यह ताल 1.5 मील लंबा और लगभग 1/4 मील चौड़ा है। इसी ताल में लगभग 2 फलांग आगे वासुकी पर्वत के पास एक महत्वपूर्ण गुफा है, जो कृष्ण गुफा कहलाती है। कहते हैं भीम के साथ कृष्ण कुछ दिनों के लिए इस गुफा में रहे थे। बाहर से तो यह गुफा छोटी सी दिखाई देती है, परंतु अंदर से बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 1000-2000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं। आज भी यहाँ पर 500-700 सन्यासी किसी भी समय देखे जा सकते हैं। यही गुफा तत्वंगी महाराज का आश्रम है, जिनकी चर्चा आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक है।
स्थानीय लोग इन्हें गंधी बाबा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इनके शरीर से निरंतर कस्तूरी की तरह सुगंध निकलती रहती है और यह सुगंध हवा के साथ दूर दूर तक फैलती जाती है। इसी सुगंध के द्वारा इनकी उपस्थिति का एहसास होने लगता है। तत्वंगी महाराज ब्रह्म विद्या के श्रेष्ठम जानकार है और परकाया प्रवेश के सिद्धहस्त आचार्य भी। इनके कई शिष्य भी परकाया प्रवेश के जानकार है। आचार्य नारायण दत्त श्रीमाली जी कहते हैं कि मुझे भी इन्होंने एक बार यहाँ पर रहने और परकाया प्रवेश विद्या सीखने का निमंत्रण दिया था, परंतु दुर्भाग से अभी तक मुझे तत्वंगी महाराज के साथ लंबे समय तक रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका है। तत्वंगी महाराज के साथ रहना भी अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दिव्य धाम में पहुंच गए हों। इनके आश्रम में योग बल से प्राप्त भौतिक पदार्थों का भंडार भरा रहता है। जो पदार्थ और व्यंजन हम बड़े बड़े शहरों में प्राप्त नहीं कर पाते, वे यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। कोई भी गृहस्थ या सन्यासी तत्वंगी महाराज के दर्शन कर उनके साथ रह सकता है और जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल द हिमालयन योगनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। Thank you.